Hi guys, this is Pratika and you're watching Kittu's channel. So today's video will be all about sugar cosmetic. So sugar cosmetic mein par zyada to nahi hai, but kahin na ki ek chota sa highlighter hai. Here is the mini highlighter jiska ki review main aapke saath share karna chahungi. But is video ko start karne se pehle aap mere previous video ko check kar sakte hai. That is Wet n Wild face primer and Wet n Wild ka foundation jo ki maine aapke saath uska review ek chota sa share kiya hai jo ki main apne डेली लाइफ या नॉर्मली पार्टी फंक्शन या किसी भी शादी पार्टी में आप उसको यूज़ कर सकते हैं. मैंने भी उसको यूज़ किया हुआ है. काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. उसका रिव्यू चेक करना मत भूलेगा. प्लस साथ ही साथ जो थम्स अप बटन है, लाइक बटन है, उसको क्लिक करना मत भूलेगा. और जो सब्सक्रिप्शन बटन है उस पर भी क्लिक करना मत भूलेगा. और मुझे कमेंट करना भी मत भूलेगा ताकि मुझे समझ में आए या पता चले कि आपको मेरे वीडियोज़ या मेरा जो ये रिव्यू है पसंद आ रहा है, प्रोडक्ट का रिव्यू पसंद आ रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो. तो ये है मेरे पास शुगर कॉस्मेटिक, लाइक शुगर का एक मिनी हाइलाइटर, छोटा सा क्यूट हाइलाइटर है. और वैसे भी मेरे को शुगर के प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं. शुगर की अगर मैं बात करूँ तो इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी, थोड़ी लाइक क्लासी सी पैकेजिंग होती है. तो हेयर इज दी हाइलाइटर एंड जो ये जो हाइलाइटर मेरे पास है दैट इज कॉन्टोर डी फोर्स मिनी हाइलाइटर. 01 शेड है. कैंपेन करके कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे. सो बेसिकली जो इसकी कॉस्ट भी है यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है. आई डोंट थिंक सो कि आपको दिखाई देगा. तो इसका जो प्राइस है दैट इज ऑफ 399 रुपीज़. बट अगेन मैंने इसको नायका से परचेज़ किया है. आई डोंट नो, मेरे को नायका से चीज़ें परचेज़ करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं 2-3 साल से वहीं से ही चीज़ें परचेज़ कर रही हूँ. आजकल पर्पल का भी ट्रेंड आया हुआ है, पर्पल से भी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं. या और भी अदर वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको लगता है कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, या मार्केट से भी जाके आप परचेस कर सकते हो. क्योंकि कुछ कुछ लोगों को नहीं समझ आता है ऑनलाइन चीज़ों को परचेज़ करना, तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो. बट चलिए बात करते हैं इस क्यूट लिटिल हाइलाइटर की, जो कि कुछ ऐसा दिखता है. इसकी पैकेजिंग सच में बहुत अच्छी है. और ये इस तरीके से इसका एक कवर है और ये हाइलाइटर है. तो ये मिनी हाइलाइटर है. इसका शेड मैं आपको बता चुकी हूँ, 01. हेयर इज दी शेड. अगर आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं, फोकस में नहीं है, तो नो प्रॉब्लम. आई विल मेंशन दी डिटेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो हेयर इज दी हाइलाइटर. तो एक छोटा सा मिनी हाइलाइटर है. ओके, तो इसके अंदर एक छोटी सी लाइक पेपर पन्नी टाइप लगी थी प्लास्टिक की, तो वो है. ये हाइलाइटर है, अगर आपको दिख रहा होगा. हेयर इज दी हाइलाइटर. तो काफ़ी शिमरी हाइलाइटर है, अच्छा है. और कुछ कुछ हाइलाइटर्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर देते हैं आपके फेस को, ताकि जो फोटो भी आती है उसमें सिर्फ हाइलाइटर हाइलाइटर ही चमकता है, आपका फेस इतना ज़्यादा शाइन करता है. बट ये उस तरीके का नहीं है. तो ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, मेरे को बहुत पसंद आया इसको यूज़ करना. आपके फेस पे भी लगाने के बाद एक नेचुरल सा जो शाइन होता है ना, यूजली लोगों के चीक्स पे जैसे शाइन होती है यहाँ पे, जैसे आप सुबह सुबह सोकर भी उठते हो तो एक शीन होती है आपके चीक्स पे, वैसे ही शाइन देता है ये. तो ये हाइलाइटर है, कुछ ब्राउन्ज कलर में है, लाइक कॉपरिश ब्राउन कलर में है. बहुत ही अच्छा शेड है. तो अगर मैं इसको दिखाती हूँ तो ये देखिए कितना अच्छा हाइलाइटर है ये. तो ये अगर आप देख सकते हैं, तो हेयर इज दी हाइलाइटर. और अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाती हूँ स्वाच करके, तो सी आई होप सो आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा शेड है ये. बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आपके फेस पे कहीं ना कहीं. और अभी भी आई गेस मैंने इसको अपने फेस पे लगाया हुआ अभी. आई होप सो आपको मेरी, मुझे तो अपनी नाक दिख रही है कि चमक रही है. तो ये छोटा हल्का, बहुत हल्का सा मैंने लगाया हुआ है, ज़्यादा नहीं लगाया हुआ है. बट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कलर भी है, बहुत अच्छा शेड है 01. तो कहीं ना कहीं ये आपको एक अच्छा लाइट नेचुरल इफेक्ट देगा. nykaa.com से मैंने परचेज़ किया था. 379 इसका प्राइस है जब मैंने इसको परचेज़ किया था. और अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद है, क्योंकि यूजली लोगों को शुगर कॉस्मेटिक्स भी काफ़ी अच्छे पसंद आते हैं, मेरे को भी पसंद है, तो आप इसको जो है nykaa.com से अदर वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. बजट फ्रेंडली भी है, आई गेस उतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं. इसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी अच्छा काम कर जाता है आपके फेस पे. तो आप इसको nykaa.com से किसी अदर वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू शुगर कॉस्मेटिक या मिनी हाइलाइटर के बारे में. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. और मेरे प्रीवियस वीडियो जो थे वेट एंड वाइल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में, उसको रिव्यू करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.